टांगल पर्स बोनस प्लस 2.5 एमकेसी पुश कर दे, पुश कर देना। कबड्डी नॉक कबड्डी मुनो का रजन एक बार नहीं एक बार कबड्डी नौ कबड्डी आठ कबड्डी सात कबड्डी छह कबड्डी पाँच हेलो चल चल अबे हेलो हिंदी कमेंट्री में आप सभी का स्वागत और मैं प्रेम सिंह राजपूत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस केपीएल मुंगेली पर। एमके सिंह लोरमी टीम और डीएस घंटोली टीम बराबरी पर मैच चलता हुआ, ठाकुर गए हुए इस बार और बहुत ही चतुराई के साथ रेड करते हैं। माहौल सिचुएशन को बहुत ही बखूबी समझते हैं, निगाहें कहीं और निशाना कहीं और, पाइट के फिराक पर कोना साथ नहीं है। कबड्डी नौ कबड्डी आठ कबड्डी छह कबड्डी इस मैच के पानी का कार्यभार संभाले हुए आदरणीय मेरे किशन भाई और आदरणीय राधेश्याम जी राजपूत और रेफरी का कार्यभार संभाले हुए काफी अनुभवी राज्य स्तर के निर्णायक भैया सुरेंद्र कश्यप। इस तरह घंटोली भी एक अंकों के साथ बढ़त बना चुके हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने में काफी माहिर हैं ठाकुर साहब, बच के रहिएगा। चार एक के बीच पर रेड करता हुआ काफी अंदर जा चुके हैं, चीते की तरह स्फूर्ति भाई का इस्तेमाल। चंद्रेश साहू शायद डुबर डाई और ये सब्स्टिट्यूट घंटोली पारा की ओर से सब्स्टिट्यूट जर्सी नंबर 8 इन और जर्सी नंबर 2 आउट। बुद्धिया रोड स्लीपर टिमटिमाती हुई और ये देखिए मैंने पहले ही कहा था थर्ड रेड हो सकता है और डायरेक्ट करो या मरो का सिचुएशन इस बार और डायरेक्ट देखिए बेहतरीन पकड़ टीम का जो अंक है एमकेसी लोरमी 4 घंटोली पारा 4। दर्शक में काफी उत्साह और पुरस्कार की राशि प्रथम अंक लाने पर कौशल साहू अधिवक्ता के द्वारा राशि दिया जा चुका है, हमारे समिति के पास जमा हो चुका है। स्टार रेडर इस बार पुनः फिर से ठाकुर भैया और ये सात नंबर के दर्शी पर साहू गए हुए हैं करण साहू पकड़े गए
प्रथम काल इस मैच के तुरंत बाद बजरंगी फाइटर जरहगा वर्सेस युवा पंटर रामपुर टीम के दल नायक उसे ध्यान देंगे। जितना जल्दी आपका टीम यहां पर आएंगे उतना जल्दी मैच होगा, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। इस मैच के तुरंत बाद बजरंगी फाइटर जरहगा वर्सेस युवा पंटर रामपुर तुरंत इस मैच के बाद अपने खिलाड़ियों को लेकर के ग्राउंड में पहुंचेंगे। ये प्रथम काल और ये हुटर की आवाज, इस बार खतरनाक आवाज और खतरनाक खिलाड़ी गए हुए हैं 8 नंबर के जर्सी पर। बहुत ही चतुराई के साथ रेड करता हुआ और ये पकड़ से थी, ये शानदार के जो खिलाड़ी हैं बेहतरीन पकड़ते हुए 1 अंक और हासिल करता हुआ एमकेसी लोरमी। और ये और एम्पायर का रिसीव बचता होगा टाइम आउट के बाद मनीष कुमार को 1 अंक और हासिल करता हुआ एमकेसी लोरमी। डीएस भदभरी पारा 5 एमकेसी लोरमी 6 ठाकुर अभी भी बचे हुए लेकिन बाहर चलिए खिलाड़ी बात ना करें, ऑफिशियल चर्चा कर रहे हैं काफी अनुभवी एम्पायर और रेफरी हमारे बीच। वैसे ही से होकर खिलाड़ियों से गुजारिश करो वो खिलाड़ी भावना का पढ़ सकते हैं भैया आप लोग सभी काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं आप। मनीष कुमार को इस बार भैया त्या मनीष कुमार को स्टार रेडर टीम की ओर से अभी बात पकड़ देखिए पकड़ मैच का रूप बदल कर रख दिए हैं ठाकुर 3-1 के बीच पर। सुपर टेकर का भी सिचुएशन है एमकेसी लोरमी को लेकिन बहुत ही चतुराई के साथ रेड करता हूं अभी तक ठाकुर पुरुषोत्तम ठाकुर स्टार रेडर टीम का कप्तान और कमान संभाले हुए हैं। और ये सब्स्टिट्यूट ट्रेनर के तौर पर आए हुए हैं इस बार 3 नंबर के जर्सी पर एमकेसी लोरमी की ओर से जेती बड़ा करन का हटे करन दिखबो नहीं करे कदम टाइम में वो करे टाइम में तो डाउटिंग का टाइम लेके पूरा निकल चुका है निकल चुका है। बजे वाले मन बजाए करो भैया दर्शक के मांग है बड़ा क्या है जी और ये मध्यांतर होता हुआ ले भैया मजा बात है हेलो अभी हम तो अतिथि के रूप में परम सम्मानी बड़े भैया
भूपेंद्र शर्मा जी सरपंच ग्राम पंचायत खेड़ा कागवन हुआ है, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और हमारे बीच मेरे प्रिय मित्र भाई पप्पू साहू जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मंत्र विराजमान दो अंक लाने पर 100 रुपए इनाम। लखन द्वारा तेरजी बक्ते का फर्रा कुंडे वाले जमा कर पहली कहीं जमा। उसके बाद जो मैच होना है शेरवानी पे 10 देवरी मंगेली और वर्सेस युवा पलटा राम बोल। शेरवानी पैंथर्स देवरी मंगेली वर्सेस युवा पलटा राम बोल कप्तान जाने के एमकेसी लोरमी 8 बीएस रतौली पारा 9 एक अंकों को फर्स्ट है दोनों की। और ये स्वागत हमारे अतिथि के द्वारा आगमन उनका। स्वागत अभिनंदन सबसे होता हुआ पीछे हो जाएंगे। हाँ बोलते हैं प्रथम बार सोनवानी पैंथर्स देवी गली वर्सेस युवा पलटन राम मोड़ के बीच मैच होना है और दोनों टीमों के खल नायक अपने खिलाड़ियों को सुव्यवस्थित इस मैच के तुरंत बाद ग्राउंड में रहेंगे। सोनवानी पैंथर्स देवी वर्सेस युवा पलटन राम मोड़ के सरपंच महोदय का आगमन मैं बहुत बहुत इस जिला के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिल्ला नंबर 550 हो गए भाई, कह रहे पहचान दे अच्छा
ग्राम पंचायत खुना के सरपंच बारह बार हो गए शर्मा जी क्योंकि इनके बारे में मैं ये बतलाना चाहूंगा कि ब्लॉक के पीएम का जो और मैं उनके स्वागत के लिए बड़े भैया भूपेंद्र शर्मा जी का स्वागत सरपंच के स्वागत के लिए इंद्रपाल शर्मानी और नगर पालिका जिला कबड्डी संघ के अनुशासन समिति सचिव हमारे कबड्डी के प्रति हमेशा तत्पर और एक बहुत नेक विचार छत्तीसगढ़ पुलिस भैया महेश राज जी का आगमन हुआ है आपका भी इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन है स्वागत गोलू कहाँ जाए लगे पैसा देख जावे पैसा धन्यवाद पुनः हिंदी कबड्डी में खेल सिंह राजपूत आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन अभी का जो मैच है एमके सिंह लोडी वर्सेस डी एस घटोरी और एक अंकों का फासला है और ये देखिए बेहतरीन इस बार संतर गए हुए थे रेड के लिए एमके सिंह लोडी 13 डी एस घटोरी 13 ₹100 का नगद पुरस्कार भी दिए हुए थे ₹100 का घोषणा हो चुका था रविंद्र गए हुए इस बार सचिन त्रेडा के तौर पर ये कार्यभार संभाले हुए हैं 5 नंबर के जर्सी पर और ये डू और डाई रेड इतना आसान नहीं होता अंक लगा लेकिन देखिए 2 अंक मिलेंगे इस बार बहुत ही चतुराई के साथ एमकेसी जोर्मी यहाँ पर चतुराई भरा खेल अब जो अंकों का अंतर है वो 2 अंकों पर जा चुका है एमकेसी लोनी 15 और डीएस घटोली 13 यदि 2 अंक लाते हैं तो कौशल भैया की ओर से ₹100 का नगद पुरस्कार ठाकुर साहब बेंच पर बैठे हुए हैं उसको रिवाइवल कराना होगा निश्चित रूप से स्टार रेडर को बेंच पर बैठा करके रखे हुए हैं एमकेसी लोनी और ये देखिए खतरनाक रेट में सचिन जो ट्रेनर है ठाकुर साहब का 8 नंबर के जर्सी पर खेलते हैं छका दिए सभी खिलाड़ी को एक तरफा भटोली पारा की ओर से और ये देखिए साक्षात शक्तिमान की तरफ फ्लाई करता हुआ एमकेसी लोरली 15 डीएस घटोली 4 अंकों का जो टीम के सब्स्टिट्यूट ट्रेनर शंकर 4 नंबर के जर्सी पर एमकेसी लोरली की ओर से बहुत ही चतुराई के साथ खेलना होगा घटोली पारा 1 अंकों के साथ पिछड़े हुए हैं और ये उनकी गलती शुरू हो चुकी है वापस जाना होगा और ये टाइम आउट लेता हुआ सेकंड हाफ का सेकंड टाइम आउट और ये ठाकुर गए हो जोरदार तालियों से स्वागत ये अंतिम रेड भी हो सकता है 7 नंबर के कच्चे पर करंट का सिचुएशन तो कितना लाना होगा और ये फ्लाई में था बाल बाल बचे यहाँ से साफ दिखाई देता हुआ हवा पर पैर उड़ाता हुआ ऐसा प्रतीत हुआ कि मिड लाइन को क्रॉस कर चुके हैं लेकिन बहुत ही चतुराई भरा
और काफी अनुभव भी हमारे बीच एम्पायर और रेफरी आदरणीय राजेश और एक करोड़ और बचा हुआ है एमकेसी रोडवी 17 बीएस झटोरी 14 मैच पलट चुका है इस बार ठाकुर का रेड महत्वपूर्ण रेड था इस बार शंकर गए हुए हैं ये अंतिम रेड है और छका चुका एक बार सभी खिलाड़ी टूट पड़े एक साथ लेकिन दो अंकों के साथ एक ऐसी दौर में विजय प्राप्त करते हुए इस महामुकाबले अब मैं बुलाना चाहूंगा अगले